जल्दी से टीवी चालू करिए, न्यूज के चैनल में आपके बारे में कुछ आ रहा है। और अब क्या आ रहा है? टीवी वाले भी। हमने बात की एमके गांधी कॉलेज के ट्रस्टी आईएम खरे से। अब हम बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से और आम जनता से, और उनसे जानेंगे कि उनके क्या विचार है ट्रस्टी आईएम खरे को लेकर। आप बताइए, आप ट्रस्टी आईएम खरे के बारे में क्या सोच रखते हैं? मैंने खरे सर के बारे में पढ़ा है और आज से खरे सर ही मेरे आदर्श है और मैं उन्हीं के विचारों पर चलूंगा। आज के बाद मेरा सिर्फ एक ही सपना है, खरे सर के साथ सेल्फी खिंचवाना। खरे साहब ग्रेट है, मैं सरकार से अर्जी करूंगा कि उनके नाम के रोड बनाए आईएम खरे रोड, ताकि सबको उनके रास्ते पे चलने की प्रेरणा मिले। मैं खरे साहब का दूध वाला हूँ, खरे साहब महात्मा है, मेरी भैंस का दूध उनके घर जाकर पावन हो जाता है। खरे सर, खरे सर। तो देखा आप लोगों ने कि एमके गांधी कॉलेज के ट्रस्टी आईएम खरे यानी ईश्वर महादेव खरे को जनता और स्टूडेंट्स कितना प्यार करते हैं, और ये सारा प्यार उन्हें मिलता है उनकी ईमानदारी की वजह से, क्योंकि वो सच्चाई का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ते, और उनकी इसी महानता के लिए हम सब लोग आईएम खरे को सलाम करते हैं। कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बोलो क्यों आए हो? और क्या बात है सर, इतने सारे फूल वील गुलदस्ते सर, वाह क्या बात है सर। हम उसका टेलीकास्ट हमारे चैनल कल तक पर करके सर, बोलो तो आप तो हर टीवी न्यूज़पेपर में छा ले सर एकदम। सर वैसे कितना पैसा दिया आपने कि टीवी न्यूज़पेपर में खबर छापने का? एकदम हीरो लग रहे हैं सर आप, हीरो बन गए हैं आप। ये सब मैंने नहीं छपवाया है, एक पत्रकार है पोपटलाल, उसने खुद छापा है और उसके पीछे पीछे ये टीवी वाले शुरू हो गए। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? सर अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अगले साल कोई भी एडमिशन के लिए नहीं आएगा, समझे? चुप चुप। और जिन्होंने एडमिशन करवाया ला सर वो सब लोग डरे बैठे ले। धीरे धीरे बोल, धीरे बोल सेटिंग। एक तो ये टीवी और अखबार वाले मेरी तारीफ कर रहे हैं और तू ऊपर से पैसे खाने की बात कर रहा है। अरे लोग जूते मारेंगे जूते। अरे लेकिन सर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अभी पैसे खाने की बात बिल्कुल मत करना, समझ गया? अभी मैं एक ईमानदार और अच्छा इंसान हूँ, मेरिट और टैलेंट पे एडमिशन दूंगा, समझा? जो कि बिल्कुल गलत है। अरे लेकिन लोग तो ऐसा ही मानते हैं ना। अब तू जा भाई जा। एक मिनट, वो जो मैंने दो सीट की बात की थी ना वो भी कैंसिल, बस अभी कुछ नहीं करना है। अरे सर काय को पेट पे लात मार ले सर, अपन का इनकम बंद हो जाएगा। बेवकूफो जैसी बात मत करो सेटिंग। अरे सिचुएशन को समझ सेटिंग, लोगों ने मुझे हीरो बना दिया है, हीरो टीवी पे न्यूज चैनल पे अखबार पे, और उसके सामने ये सब गलत काम कैसे कर सकता हूँ? तुझे सिर्फ पैसे चाहिए ना, रुक। अरे पकड़ 1,00,000 रुपया, खुश? अब जा यहाँ से। जाता है, चलो। सेटिंग से मिलना बंद करना पड़ेगा। आपका सुबह से न्यूज चैनल पे यही चल रहा है। बहुत बढ़िया यार, अच्छा तो लगता है। आखिर कितनी खोटे बोलते है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हाँ पर कितनी देर झूठ बोलेगा, आखिर तो सब सामने आ ही जाएगा ना। सही बात है। पब्लिसिटी जरा सी भी पसंद नहीं होती। रीटा कमल है, मिर्ची की तरह तेज है, सवाल पूछ कर और घरे साहब को परेशान कर दिया। एक्चुअली साहब अभी देखो ना, अपनी रीटा ने तो कमाल कर दिया, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। एकदम, तो मानना पड़ेगा रीटा ने मेरे काम से प्रेरणा लेकर काम अच्छा किया। कुल मिला के हमारा दूसरा कदम भी कामयाब रहा। पर अभी आज ही क्या करना है? अरे माजी बापी, अभी आगे बहुत कुछ करना है। खरे साहब के दिल में शर्म जगाने के लिए हम उनके लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे, जिसमें
हम उनको बाइज्जत बुला के उनका सम्मान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, ठीक है, सामने एकदम आइडिया है। थैंक यू, बहुत बढ़िया आइडिया चला। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम और मैं तो उसके सामने जा नहीं सकते, वो हमें जानता है। मेरे ख्याल से किसी और को एक काम करना पड़ेगा। मिलकर करेगा, जाकर बोलेगा कि साइंटिस्ट लोगों ने तुम्हारा सम्मान करने का डिसाइड किया है। नहीं 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 यार भाई, वो कॉलेज के ट्रस्टी है, साइंटिस्ट थोड़ी है कि साइंटिस्ट लोग सम्मान करेंगे। उनको बोलता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया के राज वालों ने डिसाइड किया आपको सम्मान देने के लिए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी उत्साहित तू रहने दे भाई। वहाँ पे अगर उसने कुछ ऊंच नीच बोल दिया तो वहीं पे उसको पिटेगा। हाँ, और उसका सम्मान समारा अपमान समारोह में बदल जाएगा। हाँ भाई, एक आइडिया है, अगर हमारी गोकर्धाम सोसाइटी की लेडीज मिस्टर खरे को इनविटेशन देने जाए तो। क्या हुआ, मेरा आइडिया अच्छा नहीं है क्या? अरे जबरदस्त आइडिया है। लेडीज लोग जाएगी तो जरा जेन्युइन लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वाह अय्यर भाई वाह। बबीता जी आज क्या खिलाया अय्यर भाई को? है शक भी नहीं होगा किसी को। जबरदस्त जबरदस्त आइडिया है। थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। फिर तेरा, हमारे इस गांधीगिरी के आंदोलन को महिला मंडल आगे बढ़ाएगा। हम सब तैयार है, बताइए क्या करना है आगे, बताइए। आप सबको खरे साहब के घर जाना है एक गुलदस्ता लेके, और उनको सम्मान समारोह में आने के लिए निमंत्रण देना है। याद रहे उनको पूरे परिवार के साथ निमंत्रण देना। लेकिन सम्मान समारोह रखेंगे कहाँ? कोई जगह तो नक्की करनी पड़ेगी ना। यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं रख सकते। नहीं नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कोई ऐसी जगह रखनी पड़ेगी जहाँ उसे हमारी गांधीगिरी पे शक न हो जाए। करेक्ट है। अगर इस गांधीगिरी को हम लोग हमारे यहाँ पे जो वीर सावरकर हॉल है वहाँ पे अंजाम दे तो बहुत बढ़िया। वेरी गुड, है ना? हाँ, ये अच्छा है। उसमें तो बहुत खर्चा होगा, खर्चा कौन करेगा? पोपटलाल चिंता मत करो, खर्चा मैं दे दूंगा। अरे ये आखिर सच्चाई की लड़ाई है। नहीं 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 जेठालाल, खर्चा गोकुलधाम सोसाइटी के फंड से होगा। ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, हमारी भी लड़ाई है, पूरे समाज की लड़ाई है। सही बात है, क्या बात है। थैंक यू फिर। वाह 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 विनोद, क्या कर गया तूने यार, पला गया। एक मिनट, एक बात तो हम भूल ही गए, हमें हमारी महिला मंडल के लिए एक नाम सोचना पड़ेगा, तो ही उन्हें लगेगा कि हम लोग जेन्युइन हैं। वाह वाह बबीता जी, क्या पॉइंट निकल आया आपने। बराबर है बराबर है, महिला मंडल का नाम अय्यर भाई सोचिए। अगर नाम खट्टा मीठा महिला मंडल रखे तो खट्टा मीठा। हंस महिला मंडल का नाम रखना है, केटरिंग कंपनी का नहीं। और कुछ ऐसा नाम सोचते हैं जो रियल भी लगे और हमारी महिला मंडल को सूट भी करे। रोशन भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। वही सोनिया सोच रहे हैं। मतलब सब सोचिए ना कुछ। प्रगति महिला मंडल कैसा रहेगा? ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। प्रगति महिला मंडल बहुत जेन्युइन लगे। प्रगति महिला मंडल। अजी भाभी, आप तो एकदम लेखक की तरह सोचने लगे हैं। तो भाई तय रहा, महिला मंडल का नाम प्रगति महिला मंडल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी काम और करना होगा। हमारे घर कंप्यूटर है ना? हाँ। एक बढ़िया 4 कलर के अंदर अच्छा सा लेटरहेड बनाओ, डिजाइन करो। हाँ। प्रगति महिला मंडल का। हाँ। ऊपर प्रगति महिला मंडल एड्रेस एड्रेस लिखा के बढ़िया सा डिजाइन करो, उसका प्रिंट ले लो। हाँ। ठीक है ना? और उसके ऊपर खरे के लिए निमंत्रण पत्र लिखो, सम्मान समारोह। हाँ। कि भाई आपको मुख्य अतिथि के तौर पर आना है, ये निमंत्रण पत्र महिला मंडल लेके जाएगा और उन्हें सौंप देगा। फटाफट फोन करते और मुलाकात का वक्त नक्की करते।
हाँ कविता जी आप बात करना और वो जरा स्टाइल में हो, थोड़ी अंग्रेजी घबराना। घबरा के क्यों? नहीं नहीं घबरा के नहीं, घबराना। वो घबराना मतलब वो सेव खमणी में ऊपर से सेव नहीं घबराते ऐसा। गार्निशिंग। बस बस समझ गए जेठा भाई, बबीता जी मुझे तकलीफ होती है ज्यादा नाम आता है तो। बबीता जी आप प्रगति महिला मंडल की अध्यक्ष हो ना, उस तरीके से ही बात करना। ठीक है परफेक्ट। नंबर नहीं नहीं आप अपने फोन से मत कीजिए पोपटलाल, फोन करो ना खरे साहब। अरे तुम तो जानते हो तुम्हारे घर में मेरा फोन नेटवर्क नहीं पकड़ता है। आजकल नेटवर्क किस जगह आता है, बैलेंस का इशू होगा। अच्छा भाई नंबर तो दो, फोन मैं मेरे फोन में लगा के देता हूँ बबीता जी को। नंबर देता हूँ, नंबर में क्या ये लो। नेटवर्क तो है नहीं जा बबीता जी। आता जाता रहता है। हेलो हाय मैं क्या नाम था रवि हाय आई एम बबीता कृष्णन अय्यर एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम प्रगति महिला मंडल। मुझे ट्रस्टी आई एम खरे जी से बात करनी है। जी कहिए, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, क्या काम है आपको? ओह परफेक्ट। वो क्या है ना, हमने आपके पति ईश्वर महादेव खरे के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा और इनफैक्ट टीवी में भी देखा, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो इंसान एजुकेशन के फील्ड में यू नो बहुत अच्छा काम करते हैं ना, उन्हें हमें सम्मानित करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम मिस्टर खरे से बात करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में सम्मान की बात है। तो इसी बारे में बात करने के लिए एक्चुअली हम आपके घर पे आना चाहते हैं। सो इज इट पॉसिबल हम कल आ जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आइए। ओके थैंक यू सो मच, सो परफेक्ट। या ओके बाय। परफेक्ट का हो गया यार, कल सुबह हमें उनके घर पे जाना है। प्रगति महिला मंडल आपका सम्मान करना चाहती हैं। अरे हाँ क्यों कर दिया, मना करना था। अरे क्यों जाना नहीं चाहते, आप इतने बड़े कॉलेज के ट्रस्टी हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, आपका सम्मान तो होना ही चाहिए ना। अरे कैसे बताऊं इसे, वहाँ इतने सारे लोग होंगे, अगर मेरी असलियत बाहर आ गई तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। देखो मेरी बात, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इस सम्मान समारोह में हम जाएंगे, मतलब जाएंगे। वैसे सारी महिला मंडल एक साथ जा रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जरा संभल गया। हाँ बड़ा शातिर आदमी है वो, इसलिए। हाँ प्लीज ध्यान रखना। हाँ दया ध्यान से, किसी भी हालत में ये खरे साहब सम्मान समारोह में आने ही चाहिए। टप्पू के पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। खरे साहब को सम्मान समारोह में लाने की जिम्मेदारी हमारी है। खरे साहब आएंगे, जरूर आएंगे। देखो अगर वो लोग आएंगे ना तो फिर मैं देखता पापा। नमस्ते, नमस्ते। हम लोग प्रगति महिला मंडल से आए हैं, वो मिस्टर खरे के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है। प्लीज कम, प्लीज वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए। नमस्ते 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 नमस्ते। माय नेम इज बबीता, कल मैंने आपसे बात की थी फोन पे। हाँ हाँ याद है। हम लोग आपको सम्मान समारोह के लिए आमंत्रण देने आए हैं। कॉन्ग्रेट्स पापा मम्मी, कॉन्ग्रेट्स। इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं ऐसा कैसा, और इसमें सम्मान करने वाली क्या बात हो गई? कैसी बात करते हैं खरे साहब, आप एक भी पैसे लिए बगैर विद्यार्थियों को एकदम पूरे निष्ठा से एडमिशन देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप तो समाज के लिए दृष्टांत हो। वही तो। और सर आप समाज के लिए कितने बड़े बड़े काम करते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, समाज में कितना अच्छा नाम है आपका, आपका सम्मान तो बनता ही है ना सर। हाँ हाँ या ठीक है ठीक है, थैंक यू। हमारी महिला मंडल ने कल से इस साल से एजुकेशन क्षेत्र में अच्छे काम करने वालों को अवार्ड देने का निश्चित किया है। हाँ। और बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पहले आपका ही नाम निकाला है।
निकला है, आया है। ओ मेरा, वहां कितने सारे लोग होंगे, इतने सारे लोगों के सामने क्या बोलूंगा अगर मैं पकड़ा गया तो? अरे लेकिन मेरा आना जरूरी है, और किसी का सम्मान नहीं कर सकते। अरे नहीं रे, नहीं, आपसे अच्छा और कोई है ही नहीं, और आप तो प्रेरणा हो सबके लिए। हाँ। हम समझ सकते हैं सर, आप बहुत बिजी है। आप जो तारीख बोलेंगे ना, उस तारीख को आपका सम्मान समारोह रखेंगे हम। हाँ। आप बताइए तारीख बस। खरे सर, आप जब तक हाँ नहीं कहेंगे ना, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ देखिए, आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी, प्लीज आपको आना पड़ेगा। हाँ, प्लीज, हाँ, प्लीज, प्लीज। पापा हाँ कह दो ना, पापा आपको जाना ही चाहिए, ये सब कितनी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। हाँ, पापा यू शुड गो। जी हाँ, आपका सामान ही तो होना है ना, आपको जाना चाहिए। हाँ, 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 प्लीज। अरे हाँ बोल दीजिए ना आप भी। अब ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब हाँ, 17 तारीख को मैं फ्री हूँ, उस दिन आप फंक्शन रख सकते हैं। आप कितने सच्चे और अच्छे इंसान हैं। अरे आप लोग बैठिए ना पहले, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। अरे एक्चुअली हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं। भाभी जी, आपको भी सम्मान समारोह में आना है? जी, यही सर। और ये आपके बेटे हैं ना, इनको भी साथ में लेकर आना। हाँ, प्लीज प्लीज। जी हम जरूर आएंगे। चलो अपना काम तो हो गया। जी बहुत सारे काम बाकी है, हाँ। है ना? थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। नमस्ते। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, मैं असल में क्या हूँ, ये सबको पता लग गया तो सम्मान समारोह में सब मुझे जूते मारेंगे। आई एम खरे, क्यों इतना डरे, मुझे तारीफ से मान सम्मान से इतना डर क्यों लग रहा है? पापा पापा, यू आर सो ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे क्या हुआ, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही है वो तो। अरे क्या सोच रहे हैं, आपने इतना अच्छा काम किया तभी तो मान सम्मान मिल रहा है ना आपको। हाँ हाँ वो तो है। तो हम सम्मान समारोह में जा रहे हैं ना, मुझे तो बेसब्री से इंतजार रहेगा उस दिन का। पापा मुझे भी रहेगा। आपको सम्मान मिलेगा, दुनिया को पता चलेगा आपकी अच्छाई के बारे में। चलेंगे ना? हाँ चलेंगे ना। हाँ पापा बोलिए ना, प्लीज पापा बोलिए ना। हाँ हाँ हम जाएंगे, पक्का जाएंगे, हम जाएंगे ना पापा वहाँ पे, प्लीज ना पापा। हाँ 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 जाएंगे जाएंगे, यस जाएंगे। बरोबर का फसा, कुछ ऐसा होना चाहिए कि मुझे सम्मान समारोह में जाना ही ना पड़े। किसी मछली को पकड़ने के लिए जैसे जाल फेंकते हैं, ठीक वैसे ही खरे को पकड़ने के लिए हम लोगों ने जाल फेंक दिया। पहले तो अखबार में उठता इंटरव्यू आया, फिर टीवी पे छाया, कुल मिला के इस खोटे सिक्के खरे की तारीफ चारों तरफ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि ये खरे कोई छोटी मोटी मछली नहीं है, ये एक बड़ा मगरमच्छ है, और हमें ये टेंशन है कि इसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, कहीं हमारी बाजी उलट न दे, कहीं हमें फंसा न दे। भाई खरे का हृदय परिवर्तन करना यानी कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, मामला बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल का आपको हम अंजाम देंगे हंसते हंसाते, और आप ठहाके लगाते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।